हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप अपने बच्चे को गैस के पेन से कैसे रिलीफ दिला सकते हो होम रेमेडी से, और क्या क्या आप उनके साथ कर सकते हो जिससे उन्हें आसानी से उस पेन से राहत मिल जाए, आराम मिल जाए, जिससे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। उनके छोटे से तमी में जो इतनी गैस बन जाती है तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो यही सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में शेयर करेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो सबसे पहली बात दोस्तों, अगर आपके बच्चे को गैस बनती है, गैस क्यों बनती है सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं। अगर आपका बच्चा काफ़ी सारा ज़्यादा एक साथ दूध पी लेता है, मतलब बार 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 हर थोड़े से देर बाद वो पी लेता है, तो उसके पेट में गैस बन जाती है, एयर का जो बबल्स होते हैं वो बन जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा पेन होता है, गैस बनती है जो वो बता भी नहीं पाते, इरिटेट होते हैं। तो इस वजह से तो पहली बात तो गैस बन जाती है काफ़ी ज़्यादा दूध पी लेने से, या फिर वो मुँह खोलते रहते हैं, एयर ज़्यादा अंदर चली जाती है, हिचकियाँ आने लगती हैं, इन सारी चीज़ों से बच्चों को गैस बन जाती है। तो इस वजह से तो गैस बन जाती है। अब आप उन्हें आराम कैसे दिला सकते हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बच्चे को आराम से लिटाना है, बिल्कुल एकदम सीधा लिटाना है। उसके बाद आपको उसके टमी पे क्लॉक वाइज सर्कुलर मोशन में अच्छे से घुमाना है हाथ, नाभि के ऊपर कुछ इस तरीके से आपको हाथ घुमाना है। या फिर दूसरा तरीका यह है कि आप बच्चे के जो एक क्वेश्चन मार्क बना है बड़े तरीके से, जो एक क्वेश्चन मार्क बना जाता है तो काफ़ी बड़ी पोजीशन में, यहाँ से लेके इस वाले एरिया में इस तरीके से क्वेश्चन मार्क बनाना है नीचे की तरफ ले जाते हुए थोड़े प्रेशर के साथ, तो भी बच्चे को बहुत जल्दी से आराम मिल जाएगा। और क्लॉक वाइज आप उसे इस तरीके से नाभि के चारों तरफ हाथ को इस तरीके से दबाएं, तो भी बच्चे को इससे काफ़ी ज़्यादा आराम मिलेगा। जो पेन होगा, जो गैस बन रही होगी जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होगा, तो उसमें इस चीज़ से बच्चों को काफ़ी ज़्यादा आराम मिल जाएगा। और जिस इस तरीके से जब आप उसके हाथ घुमाएंगे कुछ इस तरीके से, मैं आपको दिखाती हूँ आपको क्या करना है। ये जो आपका बच्चा है, इस तरीके से यहाँ का जो एरिया होता है, इस तरीके से आपको हाथ चलाना है, तो इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा उसको। डाइजेशन उसका ठीक होगा, और जो भी इसके प्रॉब्लम होगी उसमें भी काफ़ी ज़्यादा सॉल्यूशन होगा। और जो क्वेश्चन मार्क बनाना है वो भी इस तरीके से बनाना है नीचे की तरफ। उसके टमी भी अच्छे से मसाज करें हाथों से, इससे भी उसको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। इन सब चीज़ों से आप उसको रिलीफ दिला सकते हो। दूसरी टिप में जो आपको बताऊंगी दोस्तों, वो है बाईसाइकिल, यानी साइकिल चलानी है एक तरीके से पैर की। आपको इस तरीके से उसके जो पैर होते हैं वो फोल्ड करने हैं, घुटने से उन्हें फोल्ड करना है, उससे भी उसे काफ़ी ज़्यादा आराम मिलेगा। जो गैस बबल होंगे वो गैस नेचुरली वो उससे पास कर देगा। अगर आप साइकिल वाला जो पोजीशन होता है वो उसके साथ ट्राई करोगे तो उससे भी आप बच्चे को गैस रिलीफ में आराम मिल सकता है। दोस्तों, मैं जो आपको बता रही थी जेंटली जो आपको मसाज करना है वो किस तरीके से करना है, आप वीडियो में अच्छे से समझ पाओगे। तो आपको इस तरीके से इस पे प्रेशर देना है पेट पे, ये क्लॉकवाइज आपको घुमाना है हाथ, जैसे मैं घुमा रही हूँ इस तरीके से। और दूसरा जो मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन मार्क वाला, वो भी कुछ इस तरीके से है। इस तरीके से आपको दो उंगलियों से, यानी दो फिंगर से ऐसे क्वेश्चन मार्क बनाना है, तो जो इनका गैस का प्रॉब्लम होता है ना उसमें इन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। दूसरी टिप में जो आपको बता रही हूँ, बाईसाइकिलिंग द लेग्स, वो जो आपको करना है वो इस तरीके से करना है, जो लेग्स है बच्चे की इस तरीके से फोल्ड करने हैं, और इस तरीके से आपको साइकिल जैसी पोजीशन में इन्हें चलाना है। अगर आपका बच्चा इसमें इरिटेट होता है, रोने लगता है, तो ये प्रोसेस बिल्कुल भी ना करें। अगर बच्चा इसको इंजॉय कर रहा है तो आप इसको किसी भी टाइम कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप जब मसाज कर रहे हो तभी करो, किसी भी टाइम कर सकते हो। इससे क्या होता है, जो भी इनके एयर बबल अंदर फंसे होते हैं, जो बबल्स की वजह से इनको गैस बन रही होती है, वो नेचुरली रिलीज हो जाती है, और इनको प्रॉब्लम भी नहीं होती, इनको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। तीसरी टिप मैं आपको बता रही हूँ, नी हग यानी जो घुटनों का हग, जो एक तरीके से हिंदी में कहा जाए, वो किस तरीके से देना है, वो आपको ऐसे पकड़ना है और इस तरीके से देना है, ऐसे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बनेगा और नेचुरली गैस उनकी निकल जाएगी, उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये सारा जो प्रोसेस दोस्तों आपको करना है तभी करना है अगर आपका बच्चा इरिटेट नहीं हो रहा है, तो इस तरीके से आपको करना है।
ये वाला प्रोसेस जो नी हग आपको करना है ये 3 times ही करना है दोस्तों, बच्चे को काफ़ी मज़ा आएगा ऐसा करने में। और जब वो गैस है वो आराम से पास हो जाएगी नेचुरल तरीके से। तो यहाँ पे आदि को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, काफ़ी इंजॉय कर रहा है वो इसको। और ये थी दोस्तों मेरी कुछ खास टिप जिससे आप बच्चे को गैस पेन से या गैस से रिलीफ दिला सकते हो, जिनसे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं छोटे छोटे से बच्चे और उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, इरिटेट होते हैं, आपको भी इरिटेट करते हैं और फीड भी नहीं करते हैं अच्छे से, उन्हें किसी भी चीज़ में मज़ा नहीं आता, जो वो छोटा सा टाइम होता है उनका इन्जॉय करने का वो इस तरीके से बर्बाद होता है, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और ये थी दोस्तों मेरी छोटी छोटी सी टिप्स, इन्हें आप ज़रूर फॉलो करें, आपके बच्चे को काफ़ी ज़्यादा आराम मिलेगा। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।